हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यहां पर विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि अलग अलग पदों पे 16 दिसंबर 2022 को यहां पर रायपुर की वेबसाइट में यहां पर आपका जो पद है इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसका जो सिलेक्शन जो होगा चयन प्रक्रिया वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर रहने वाला है। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय जो कि रायपुर जिला के अंतर्गत कुल यहाँ पर 24 यहाँ पर स्कूल्स हैं। आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत यहाँ पर क्रम से दिया गया है 24 स्कूल का नाम यहाँ पर, ठीक है, 24 में 20 स्कूल है यहाँ पर टोटल आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में। इसमें अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्ती करना है, रिक्त पद है, जिसके लिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 तक अब यहाँ पर सीधे स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा या फिर कुरियर के द्वारा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो इसके लिए यहाँ पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वो यहाँ पर रायपुर के जो वेबसाइट है इसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं पूरे विस्तार से जानकारी के लिए। यहाँ पर मैं कुछ कुछ नियम व शर्तें हैं, क्या क्या पात्रता है और कौन कौन से पद है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर संविदा पद के लिए पात्रता जो है, संविदा अभ्यर्थी जो नियम व शर्तें करनी है उसके लिए, एक तो न्यूनतम आयु जो है 1 जनवरी 2022 तक कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना जरूरी है। आपके पास जाति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की यहाँ पर क्रीमिलेयर यहाँ पर दिया गया है, इसमें आयु अधिकतम होने पर 5 वर्ष तक आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पद यहाँ पर परिवर्तनीय, कम या ज़्यादा हो सकता है। विज्ञापन पद जो है शाला प्रबंधन समिति के अधीन यहाँ पर होगा, उन्हीं का यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार है। हड़ताल या फिर किसी प्रकार के अधिकारी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर आपको अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आपको माना जाएगा। ये जो पद है पूर्णतः अस्थायी रूप से रहेगा, जिसे कभी भी यहाँ पर समाप्त यहाँ पर किया जा सकता है आपका जो पद है। इसके लिए आवेदन जो करना है, आवेदन पत्र उसको कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMMI अस्पताल के पास लालपुर रायपुर पिन कोड के इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर कुरियर के माध्यम से या रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको आवेदन पत्र किया जाएगा। सीधे आप वहां पर उपस्थित होकर यहां पर आवेदन नहीं कर सकते, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आवेदन पत्र में यहां पर क्या क्या दस्तावेज यहां पर डालने होंगे वो दिया है यहां पर, ये सब डिटेल यहाँ पर 5-6 यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको यहाँ साथ में अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज जो भी है, अंतिम तिथि तक पूर्ण होना भी कंपलसरी है यहाँ पर। इसके अलावा और भी डिटेल्स यहाँ पर जानकारी के लिए आप रायपुर के जो वेबसाइट है इसमें जाकर आप इसके लिए चेक कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे दिया गया है, जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास, डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसको चेक कर लेंगे। अब चलते हैं इसका जो चयन प्रक्रिया है यहाँ पर रहेगा। जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा चयन प्रक्रिया जो है, शैक्षणिक योग्यता का 50%, लिखित परीक्षा 30% और साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का 20% के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा शैक्षणिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक रुचि के अनुसार यहाँ पर रहेगा इसमें। और एक पद के लिए केवल 5 अभ्यर्थी को ही यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चयन होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 20 यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल है जो कि रायपुर जिला के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पद हैं, जो इसके लिए यहाँ पर कुल पद कौन कौन से विषय और उनका मासिक वेतन कितना रहेगा और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा इसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। एक तो व्याख्याता का पद है, जिसमें वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसका वेतन जो है व्याख्याता के सभी विषय के जो पद है उसमें यहाँ पर 38,100 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। और जो है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातकोत्तर और बीएड यहाँ पर अनिवार्य है और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। ये व्याख्याता के पद के लिए रहेगा और विषय भले ही चेंज होगा तो उस विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पद है आपका, एक तो प्रधान पाठक है,
प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम का, इसको भी वेतन सेम रहेगा। इसमें यहाँ पर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए, यहाँ पर स्नातकोत्तर नहीं। द्विवर्षीय डीएड या डीएल यह अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम में आपका शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो पद है शिक्षक के पद है, जो अलग अलग विषय में 35,400 आपको वेतन मिलेगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए और बीएड डीएल कंप्लीट उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आपका एजुकेशन होना चाहिए और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये भी यहाँ पर अनिवार्य है। अब जो पद है ये तो अलग अलग विषय में शिक्षक के पद हैं। अब जो पद है सहायक शिक्षक का, सहायक शिक्षक के लिए अलग अलग विषयों में है। इसको 25,300 रुपये वेतन दिया जाएगा प्रतिमाह। इसके लिए 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना यहाँ पर है चाहिए और दो वर्ष का यहाँ पर डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए और टेट जो है प्राथमिक स्तर का ये भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपका पूरा एजुकेशन इंग्लिश माध्यम में होना चाहिए, ये रहा सहायक शिक्षक। अब इसके अलावा यहाँ पर सहायक ग्रेड थ्री का यहाँ पर पद है, इसको 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए और एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स है या फिर DCA PGDCA या फिर ITI कोपा ये आपके पास होना चाहिए। और डिप्रेशन यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो कि 5,000 कीवर्ड प्रति मिनट प्रति घंटा यहाँ पर होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और पद है जो कि एक तो भृत्य का है जिसको 15,600 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, ये 8वीं पास यहाँ पर मांगा है। और चौकीदार के लिए भी सेम वेतन रहेगा और इसके लिए भी योग्यता 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। अब इसमें जो 20 विद्यालय है आपका आत्मानंद का, उसमें कौन कौन से विद्यालय में कौन कौन से पद यहाँ पर खाली है वो यहाँ पर दिया गया है और नंबर ऑफ पद भी काफ़ी सारे यहाँ पर पद है, आप चेक कर लेंगे टेबल में। और ये जो दिया है स्कूल वाइज यहाँ पर लिस्ट में टेबल में दिया है, PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब रही बात इसमें साक्षात्कार का जो कार्यक्रम यानी कि इंटरव्यू का जो व्यवस्था किया गया है, इसको यहाँ पर जिस पोस्ट के जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का और कौन से स्कूल के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर विषय वार यहाँ पर चेक कर लेंगे। जिस पद के लिए उसका इंटरव्यू यहाँ पर कौन से डेट में है, टाइमिंग क्या रहेगा, वो भी आप यहाँ पर इस टेबल में अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर इसकी योग्यता को आप पूरा करते हैं तो ज़रूर इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इस प्रकार रहेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जितने भी यहाँ पर खाली जगह है सभी को आपको भरना होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है डिटेल्स है और इसको फुलफिल करके आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स के लिए, धन्यवाद।